20 मई को फिफ्थ फेज़ के तहत लद्दाख में मतदान होना है, पोलिंग है, इसके चलते पोलिंग पार्टीज़ मुख्तलिफ जगहों पर पहुँच रहे हैं और दूर दराज जगहों के लिए जो पोलिंग अमले हैं उनके काफ़िले निकल चुके हैं। आज जंस्कार के लिए पोलिंग पार्टीज़ करगिल मेन टाउन से निकले हैं। हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर करगिल लद्दाख बाला साहब सूद साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सर, हमसे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे पोलिंग पार्टीज़ जो आप निकले हैं, वो तरह के इंतजाम ओवरऑल इस इलेक्शन को लेकर क्या है? आप सबको पता है कि हमारा 20 मई पोलिंग डे है लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए पूरा एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ तैयारी की गई है और उसको अभी एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो जैसे आप अपने कल भी देखा होगा कि हमारे जो सबसे 3 रिमोटेस्ट पोलिंग स्टेशन है उसमें फेमा, रालाकुंग और शादे जो हमारे जंस्कार सब डिवीज़न में आते हैं उनके लिए पोलिंग पार्टीज़ को हमने एयरफोर्स के मदद से हमने एयर सॉर्टीज अरेंज की थी। थ्रू एयर सॉर्टीज उनको अपने अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशंस पे हमने कल पहुंचा दिया है। तो उसके साथ साथ आज हमने 2 पोलिंग स्टेशंस को जो स्ट्रांग रूम से हमने उनको रवाना किया, उसमें इचू का पोलिंग स्टेशन भी है और हमारा शुन पोलिंग स्टेशन भी है क्योंकि वो भी हमारे दूर के पोलिंग स्टेशन है। उसके साथ साथ आज आप ब्यामाथंग से हमने जो जंस्कार सब डिवीज़न में 44 दूसरे पोलिंग स्टेशन है उनके लिए पोलिंग पार्टीज़ को हमने आज रवाना किया। ईवीएम्स को ऑलरेडी विद प्रॉपर सिक्योरिटी एंड जीपीएस टैग व्हीकल के साथ ऑलरेडी वहाँ पे जो पदम में स्ट्रांग रूम बनाए वहाँ पे हमने ईवीएम्स को ट्रांसपोर्ट किया और वहाँ सेफली कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव के सामने वीडियोग्राफी करके उसको सील किया है और एज़ पर नॉर्म्स उसको कल वहाँ से डिस्पैच किया जाएगा। और कारगिल के जो पोलिंग पार्टीज़ है हमारी जो यहाँ के जंस्कार सब डिवीजन छोड़ के और इचू को छोड़ के बाकी जो पोलिंग पार्टीज़ है उनको कल हमारे जो स्ट्रांग रूम के वहाँ से उन पार्टीज़ को डिस्पैच किया जाएगा। उसके साथ साथ ओवरऑल प्रिपरेशन की बात करूँ तो जो हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन है उनके उन जगह पे काफ़ी इंतजाम किए गए, जैसे हमने वेबकास्टिंग लगभग 140 पोलिंग स्टेशन पे हम वेबकास्टिंग कर रहे हैं। उसके साथ साथ माइक्रो ऑब्जर्वर्स को डिप्लॉय किया गया जो हमारे लोकल एम्प्लॉयज़ नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज़ और बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उनके एम्प्लॉयज़ है वो वहाँ पे देखेंगे कि पोल प्रोसेस फेयरली हो रहा है कि नहीं। उसके साथ साथ वीडियोग्राफी भी की जा रही है और आपके ज़रिए मैं 2 चीज़ें भी बोलना चाहूँगा कि पोलिंग बूथ और उसके 100 मीटर एरिया में मोबाइल फ़ोन को यूज़ करने के लिए वोटर्स के लिए कम्प्लीटली बैन है, तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उस चीज़ का ख्याल रखें क्योंकि ECI के नॉर्म्स के हिसाब से मोबाइल फ़ोन के साथ वोटर्स को एंट्री नहीं दी जाएगी। और जो इलेक्शन कमीशन के 13 डॉक्यूमेंट्स है ईपिक कार्ड के साथ और 12 डॉक्यूमेंट है वो उसको लेके उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट को लेके आना है तो उसको देख के ही आपको अंदर एंट्री की जाएगी। और लास्टली मेरी सबसे अपील भी है सारे वोटर्स से कि 20 मई एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी हम बोल सकते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटर्स को मैं यहाँ आपके ज़रिए अपील करता हूँ कि 20 मई को अपने अपने रिस्पेक्टिव पोलिंग स्टेशन पर आए और अपना कीमती वोट अदा करें। थैंक यू। सर, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए गए हैं प्लीज? सिक्योरिटी की तरफ से आपने देखा होगा बहुत फ्लैग मार्चेस हुआ है, कारगिल में भी हुआ है, पदुम में भी हुआ है और बाकी इलाका में भी। उसके अलावा हमने बहुत ड्राइव्स किया है, इसमें एब्सकॉन्डर्स, स्ट्रीटर्स जो भी ट्रबल मेकर्स हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई किया है पिछले 2 महीने में। इसके अलावा सर ने पहले ही बोला है क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में बहुत तैयारी करके रखे हैं हम, इसमें 118 पोलिंग स्टेशन है क्रिटिकल, उसमें आधा सेक्शन CAPF लगा है। टोटल हमको 20 कंपनी CAPF मिला है, इसमें ITBP है, BSF है और CRPF भी है। सो वी आर कॉन्फिडेंट दिस टाइम दैट लॉ एंड ऑर्डर होने का चांसेस कम है, इवन इफ इट हैपेंस वी आर इन अ पोजीशन वेयर वी कैन हैंडल इट। चलिए, अब तक एक खास रिपोर्ट ब्यामाथंग करगिल से पहुंचा रहे हैं जहां से आज जंस्कार सब डिवीज़न के लिए पोलिंग पार्टीज़ हैं, पोलिंग टीम हैं वो निकल चुके हैं और इससे पहले जो दूर दराज जगह हैं खासकर लद्दाख के करगिल रीजन का और उन जो टफेस्ट और दूर दराज पोलिंग स्टेशन हैं उनके लिए कल ही एयरफोर्स की मदद से पोलिंग पार्टीज़ को वहाँ पर भेजा है। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज़ पर अपडेट्स के, तो आपको दिखाना चाहेंगे लगातार पोलिंग पार्टीज़ जो हैं जंस्कार सब डिवीज़न की ओर निकल रहे हैं और 20 तारीख को मतदान है और 20 तारीख को वोटिंग राइट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना कीमती वोट कास्ट करना न भूलें, यह आपका हक है और आने वाले समय में पिछले 5 साल के लिए आपको एक बेहतरीन लीडर आपको चुनना है जो आपकी कौम की और आपके इलाके की तरक्की कर सके। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़, मुसातु मिली के साथ मोहम्मद साहब।
संग बसंग खचल लसपू वोट ना चाहिए चेजर बनार गेस्टी लंगता रोज बखाने अरे देफिया नंगता वोट तंखाने जिंग हिलिंग नंगयांबो गलसिर बेनियोत यतिर गासुस बी इलेक्शन ही जब छुट्टी पे जब में ड्यूटी पे जा रही सोशल मीडिया हियांस पर से नो लस्कुरन चुक चुक सला ड्यूटी बॉस वोट पोता मी पोर्टल लिस्ट पे आ मीन पुचोल वोटर सर्विस पोर्टल का लॉगिन बॉस गडेट पो गबूट पो गंगमा चेक बेन वोट पुतांगे निस्कत पजत रंग खाक पो मल लगेगा झूर तख चिक चामहिन अति शान साइन मंगजू ही लस्सिरन अति खाक संगिन नी वोट पो अरी ड्यूटी नी वोट पो अरी ड्यूटी नी वोट पो अरी ड्यूटी नी वोट पो अरी खाकिन नी वोट पो अरी खाकिन